हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स वॉट 11S में और रियलमी 8 में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो इन्फिनिक्स की है डिस्प्ले 6.78 इंच की, रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। और रियलमी की डिस्प्ले 6.4 इंच की, रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और आपको इन्फिनिक्स में 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, रियलमी में है 60 हर्ट्ज़ का और दोनों फ़ोनों में आपको पंच होल कैमरा भी मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इन्फिनिक्स का है मेडिटेक का G88 का और CPU 2.0 का हार ऑक्टेकोर का, 12 नैनोमीटर्स का फिनफेट और GPU है G52 का। रियलमी का जो प्रोसेसर है वो है मेडिटेक का G95 का, CPU 2.05 GHz ऑक्टेकोर का, 12 नैनोमीटर्स का फिनफेट और GPU है G76 का। प्रोसेसर क्वालिटी में रियलमी बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो इन्फिनिक्स का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 50 का, फिर 2 का। रियलमी का है क्वाड में जो मेन कैमरा है 64 MP का, फिर 8 का, फिर 2 का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो इन्फिनिक्स का है 8 का, रियलमी का है 16 का। बात की जाए बैटरी लाइफ की, तो दोनों में सेम है 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो इन्फिनिक्स में है 18 वाट का, रियलमी में है 30 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सी मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। और इन्फिनिक्स में रैम है 4 GB की, रियलमी में है 4 GB, 6 GB और 8 GB की। और इन्फिनिक्स की मेमोरी है 64 GB की, रियलमी में है 128 GB की। और आपको दोनों ही फ़ोनों में एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो इन्फिनिक्स का है स्टार्टिंग 10,999 रुपये, रियलमी का है स्टार्टिंग 14,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।